हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जो सड़कों पर लोग चल रहे हैं इनसे बात करते हैं। ये बताइए आप लोग, अचानक जो है 3 दिन पहले तक कुछ नहीं था, अचानक हजारों हजार की संख्या में लोग घरों से निकल लिए। वो जब पता चला ना, जब ये बस चालू हो गए, बस माने फिर ले जा रहे हैं, इसीलिए और ज्यादा आदमी इकट्ठा होकर बस में जाने के लिए अपना घर छोड़कर अपना निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे। निकल जाए, किसी तरह अपना घर पहुंच जाए, वहां मरना है तो परिवार के साथ अपना मरे या जिए। यानी जब तक बसें नहीं चल रही थी लोग घरों में थे। घर में थे। अच्छा, हाँ जी घर में थे। देखा वो क्या हुआ गया, यहाँ मकान मालिक भगा रहा है, पैसे दो, राशन जिनके पास में पैसा नहीं है क्या खाएगा। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा, टीवी पे दिखाई गई है, न्यूज पे दिखाई गई है कि 3 रोज के लिए रास्ता खुला है, और जो है कि इसी वजह से जो है कि मैं, मुझे भी नवेडा जाना है, और इसी वजह से आज सुबह 7 बजे से मैं उस पर जमुना पुल पे खड़ी हूँ, नहीं जाने के लिए। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि जब से जो ये जानकारी मिली कि बसें चलने लगी हैं, इस वजह से लोग, आप लोग ज्यादा लोग उतरे हो? हाँ, जब बस चलने के सुना है, जब ये आदमी इतना चलना शुरू की है, नहीं तो पहले से नहीं था, सब अपना अपना घर में थे, एक दूसरे से दूरी बना के रखे हुए थे। इससे पहले अभी तक आप लोग घर पे ही थे? हाँ, घर पे ही थे। 3 रोज से भूखी हूँ, और बताइए कौन। रुके, कुछ और भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर बसें नहीं चलती तो शायद हम लोग इस तरह से निकलते ही नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो आप लोग? कह रहे थे ये कि 72 घंटे के लिए न्यूज पे दिखाया कि बसें चालू है, योगी ने 1000 बसें चालू किया है, इसलिए घर से निकल पड़े। और जब तक बसें नहीं चल रही थी, कोई जानकारी नहीं थी, आप लोग घर पे ही थे? घर पे थे, सभी घर पे थे। तो क्या इसको एक बड़ी चूक कहा जाए? बड़ी चूक इस वजह से क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं, जो लोग इस वक्त जो है सड़कों पर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि अभी तक तो हम घर पे थे, हम जो है 72 घंटे तक जो है पिछले जब लॉकडाउन हुआ है उसके बाद में घर पे थे, लेकिन इस सब के बीच में जब जानकारी मिली कि सरकार ने बसें चला दी हैं, लोग अपने गाँव जा सकते हैं, तो हम सड़कों पर निकले हैं। तो क्या ये एक बड़ी चूक रही है सरकार के लिहाज से, प्रशासन के लिहाज से? क्योंकि इन लोगों का ये कहना है हम पहले अपने घर पे थे, अलग अलग थे, वहां पर जो कुछ मिल रहा था वहां पर रुके हुए थे, लेकिन जैसे ही मकान मालिकों को पता चला कि बसें चलने लगी, उन्होंने कहा या तो आप किराया दो या अपने गांव जाओ क्योंकि बसें चल रही हैं। तो इस तरीके से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि क्या ये एक बड़ी चूक रही है। जो कोरोना से हम वायरस से लड़ाई करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई थी वो इस तरह से विफल हुई है, और उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकारें भी जिम्मेदार हैं क्या? कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कम्फर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।